नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। बिहार कांस्टेबल बिहार दरोगा के अलावे अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एसएससी या किसी भी सेक्टर की, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये टॉप 50 वो साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में लगातार 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी ये रिपीटेशन हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एक झलक देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड कलर के बटन को दबा के, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अब जो करेंट अफेयर का जो सिनारियो है वो रोज़ सुबह के 6 बजे आपको दिया जाएगा, और ये करेंट अफेयर आपके रोज के डेली करेंट अफेयर टॉप 10 करेंट अफेयर दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको पीडीएफ भी दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, मतलब जो वीडियो है आपका करेंट अफेयर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इन सभी प्रश्नों पर जो कि आज के इस 50 वन लाइनर हैं, ये आप जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आंसर है दोस्तों अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है इसका जीवन काल आरबीसी का, याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी, देखिए क्वेश्चन आई, या डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन का ही होता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, और तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट कहते हैं इसको। ओके, आंसर कर लीजिएगा, डब्ल्यूबीसी को और क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट कहते हैं, श्वेत रक्त कण हिंदी में कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी को और क्या कहा जाता है, तो इनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, आंसर कीजिएगा, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, याद रखिएगा। इन सभी का नोट्स भी बना के आप रख सकते हैं एक कॉपी पे, या फिर इस पीडीएफ को आप लोग अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल में मत रखिएगा, इसको आप लोग प्रिंट ले लीजिएगा, इसका आउटपुट रखिएगा अपने पास, ठीक है, ताकि जब भी चीज़ें आप पढ़ने बैठे तो आपके सामने वो चीज़ें मौजूद रहें। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, बिल्कुल, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा ये नियंत्रण होता है शरीर का ताप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य यानी कि ह्यूमन के सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो बिल्कुल ओ होता है, ये जो ब्लड ग्रुप इनका ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिस्पेक्टर, जी हाँ, रेसिपेटर, माफ कीजिएगा, मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिपेटर कौन होता है, तो ये होता है दोस्तों ए बी ग्रुप के लोग, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है जिनका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं दोस्तों सिग्मोमैनोमीटर, सिग्मोमैनोमीटर, आंसर कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लड बैंक कहलाता है, और क्या कहलाता है ब्लड बैंक, तो स्प्लीन कहलाता है ये, ठीक है, प्लीहा, ओके, हमारे शरीर में। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा अगर चबाएंगे खाने को तो वो ज़्यादा जल्दी पचेगा आपके शरीर में जाके। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, बिल्कुल, आंसर कीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके परीक्षाओं में, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल रट जाना है किसी भी तरह, है ना। पित्त यानी कि बिल, हम लोग कहते हैं इसको, स्रावित होता है कहाँ से, बिल्कुल लीवर के द्वारा ये स्रावित होता है, जो बिल होते हैं यानी कि पित्त होता है वो लीवर के द्वारा स्रावित होता है। विटामिन ए संचालित होता है कहाँ से, बिल्कुल लीवर से ही ये संचालित होता है हमारा विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, लार्जेस्ट ग्लैंड, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, और एक्चुअली बनता ही है, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ कलेक्शन जो 50 क्वेश्चन के लेकर आया हूँ, ये ऐसे प्रश्न है कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, तो बिल्कुल लीवर ही, याद रखिएगा, यकृत। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि का आप नाम बता दीजिएगा, ठीक है, मास्टर ग्रंथि जिसे हम लोग कहते हैं प्यूट्री, नोट कर लीजिएगा इसको, आंसर 16 का प्यूट्री हो जाएगा। 17, मनुष्य में पसलियां यानी कि रिब्स
की संख्याएं कितनी होती हैं? तो ये 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल 24 होते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, नवजात शिशुओं में ये 208 होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में मांसपेशियां यानी कि मसल्स की कुल संख्या, मसल्स होते हैं टोटल हमारे शरीर में 639, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि लार्वा यानी कि स्लाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? बिल्कुल टाइलिन कहलाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये टाइलिन कहलाता है जो स्लाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो ये मेन क्रोमोजोम पर निर्धारित होता है, पुरुष क्रोमोजोम पे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट, देखिए ये जो पार्ट है मैं आपको करा रहा हूँ इस जीके का, ठीक है, जीएस का, ये आपका स्टैटिक जीके जीएस जो होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसका एक वीडियो रोज सुबह के 10 बजे आपको पब्लिश किए जाएंगे, ठीक है, 10 से 11 के बीच में आपको पब्लिश कर दिए जाएंगे। ये टाइम टेबल नोट करवा दूंगा मैं अभी आपको, है ना, टाइम आपका एक बार फिक्स हो जाएगा तो आप उस टाइम पे स्टैटिक जीके रोज देख सकेंगे। मनुष्य का हृदय, जी हाँ, 4 कोष्ठीय होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यानी कि जो 4 इसमें ब्लॉक्स होते हैं हार्ट में मनुष्यों के, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितनी? बिल्कुल आंसर करेंगे 46, आंसर याद कीजिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन अगर बात करें तो त्वचा होती है, स्किन होती है, याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड की संख्याएं कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ये 22 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में प्रतिदिन यूरिन यानी कि मूत्र बनता है कितना लीटर? बिल्कुल 1.5 लीटर। अब देखिए अगर आप ये जो यूरिन है आपका, अगर इतना तो निकल ही जाता शरीर से, लेकिन इसके डबल यानी कि दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो यूरिन है ये दुर्गंध देता है, क्योंकि क्योंकि इसमें यूरिया का मिक्सअप होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव मूत्र यानी कि यूरिन अम्लीय का पीएच मान क्या है? तो ये याद रखिएगा 6 है इसका, ओके। अगला क्वेश्चन, शरीर का सामान्य तापमान होता है, याद रखिएगा 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन कह सकते हैं इसको, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? बिल्कुल पैरों में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व, बिल्कुल कैल्शियम और फास्फोरस का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, रुधिर को थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लॉट में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित चीज़ों को क्या कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग कहते हैं दोस्तों फ्रेनोलॉजी, क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी, ओके। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, कैसी होती है दोस्तों? तो ये नाइट्रोजन होती है, क्योंकि ये जो है 78% हमारे वायुमंडल में विख्यात है, यानी कि अभी मौजूद है। अगला क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म एब्डल्ट गैस जिसे हम लोग कहते हैं वो कौन होता है? बिल्कुल साइकस होता है, ये नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मकरी के प्रदूषण के चलते, ठीक है, जल में मरकरी यानी कि पीबी है ना, पारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, मानव त्वचा ह्यूमन स्किल जो है, स्किन जो है, ठीक है, का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी, नोट कर लीजिएगा, डर्मेटोलॉजी, ओके, आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी, क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, पित्त जो बिल होते हैं वो किस अंग के द्वारा पैदा किए जाते हैं? तो लीवर इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये स्प्लीन करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जब होता है तो ये हीमोग्लोबिन का कार्य संपूर्ण होता है।
हीमोग्लोबिन में क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो Fe यानी कि लोहा, है ना, आयरन पिलता है हमें। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो ये हेप्रिन, नोट कर लीजिएगा आंसर, हेप्रिन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो हमारे जो खून में प्लाज्मा जो है वो किस एंटीबॉडी के द्वारा निर्मित होती है, तो इसको कहते हैं लिम्फोसाइट, ओके लिम्फोसाइट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं RBC है ना, रेड ब्लड सेल का शमशान कहा जाता है, प्लीहा को, ओके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र, जी हाँ, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है, बिल्कुल प्यूब्रिक अम्ल यानी कि प्यूब्रिक एसिड का। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का भी निर्माण हमारे लीवर में ही होता है। सोचिए कि कितने लीवर के फंक्शन है हमारे शरीर में, और लीवर ही लोगों के डैमेज हो जाए तो क्या हाल होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, बिल्कुल वृक्कों में, कहाँ पे, वृक्कों में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया से, ओके। तो ये हमारे टोटल 50 प्रश्न थे यहाँ के आज, और ये साइंस के क्वेश्चन जो कि बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, इसको मैंने आप तक शेयर किया है। इस वीडियो को अपने पास रखिए, इसका PDF, और पढ़ते रहिए, ठीक है। रोज सुबह 6 बजे करेंट अफेयर की क्लास अब दी जाएगी, आपको अपलोड होगी, वो करेंट अफेयर का प्रीमियर क्लास होगा आपका। उसके अलावा 10 बजे ये स्टैटिक GK का पार्ट होगा, जहाँ पे साइंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आपके GK या करेंट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस करेंट के टॉपिक्स को या फिर स्टैटिक के टॉपिक को पढ़ने के लिए रोज़ सुबह के 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और सुबह के 6 बजे करेंट अफेयर के लिए। बाकी शाम में आपको क्लासेस की टाइमिंग बताई जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे SSC या फिर NTPC की भी तैयारी आपको कराई जाने वाली है, ओके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।